खंडवा नगर के दो अलग अलग कॉलोनी में सूने घरों को निशाना बनाते हुए आग के हवाले करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा खंडवा पुलिस ने किया है। पुलिस की माने तो 30 वर्षीय शेख वसीम पिता रहीम बीड़ी ने दोनों वारदातों को अकेले ही अंजाम दिया, जिसने मकानों में घुसकर गोदरेज की अलमारी को तोड़कर दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया, चोरी की और आग लगाकर चलता बना। खंडवा पुलिस की थ्योरी के अनुसार आरोपी वसीम सब्जी बेचने का काम करता है, जो दिन में सब्जी बेचते वक्त रेकी करता और रात में लोगों के घरों में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। आरोपी ने घटना के बाद साक्ष्य को मिटाने के लिए ही घरों में आग लगाई थी, यह कहना है खंडवा SP डॉक्टर शिवदयाल सिंह का। आइए पहले सुनते हैं कि SP साहब क्या कह रहे हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान खंडवा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने कहा कि वसीम पिता रहीम बीड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचलों के थानों में 20 से अधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिस पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। पूछताछ में आरोपी ने एक दर्जन से अधिक मामले कबूल किए। आरोपी काफी शातिर है, आखिर क्यों आग लगा देता था और क्यों बम का उपयोग करता था, इसकी भी जांच की जा रही है। वसीम पिता शेख रहीम नाम है इसका। ये लगभग एक दर्जन लूट और चोरी की वारदातों में पुलिस को वांछित था और अभी दो दिन पहले भी इसने इसी तरह से रात में 3 घरों में जाकर चोरी की थी। चोरी करने के बाद आग लगा दी थी उस घर में ताकि सबूत निकल सके। तो हमने उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से जो सामग्री वो लेकर चोरी में लेकर गया था वो बरामद की है। इसमें बर्तन हैं, कुछ आभूषण हैं और वो सब संयंत्र हैं जिनके द्वारा ये इस तरह की घटना को अंजाम देता था। सर, ये आग लगा दिया करता था चोरी? पूछताछ में इसने बताया है कि चूँकि चोरी करने के बाद डोर्स पे और अलमारी पे यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट आ जाते थे, जिसके कारण पहले भी वो पकड़ा गया है। उसने सबूत मिटाने के लिए इससे आग लगाने की सोची। तो कितनी घटनाओं को चूँकि इसने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है जिसके कारण शहर में दहशत का माहौल पैदा हुआ था, इसलिए ऐसे आरोपियों को NSA के तहत भेज रहे हैं। सर, कितनी चोरियाँ कबूली है? एक दर्जन घटनाओं को इसने रिसेंटली अंजाम दिया है। पहले भी इसके ऊपर लगभग 20 केसेस रजिस्टर्ड हैं विभिन्न थानों में। कितना मशरूका जब्त हुआ इससे? लगभग 2 लाख का मशरूका अभी जब्त हुआ है, बाकी और। पुलिस ने अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए आरोपी के सहयोगी राशिद कबाड़ी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी का माल जब्त किया। जब्त चोरी के माल में चांदी के कुछ आभूषण और तांबे पीतल के बर्तन शामिल है। आइए घटनाक्रम पर नजर डालें। सेठी नगर कॉलोनी में सुशीला काजले के घर में घुसे आरोपी ने गोदरेज की तलाशी लेने के बाद घर को आग के हवाले कर दिया, जिससे घर में रखा फर्नीचर और फ्रिज भी जलकर खाक हो गया। मकान में लगी आग से किराएदार का बेकरी आइटम भी चपेट में आ गया। सुशीला काजले के अनुसार उनके घर से कुछ सामान चोरी नहीं गया। इसके बाद आरोपी ने गायत्री नगर में SK गांव सिंधे के मकान में दूसरी घटना को अंजाम दिया। यहां भी आरोपी अकेला ही ताला तोड़कर घर में घुसा और गोदरेज की तलाशी लेने के बाद दस्तावेजों सहित घर को आग के हवाले कर दिया। आरोपी ने घर में रखे गैस सिलेंडर के वाल्व भी खोल दिए। यहां गांव सिंधे जी की बेटी ने बताया कि घर के एक हिस्से में बड़ी संख्या में सूतली बम और दीपावली पर फोड़े जाने वाले पटाखे मिले। यहां से आरोपी लाखों के गहने चुरा कर ले गए। यह बात गांव सिंधे जी की बेटी ने कही। उनकी माने तो उनके घरों से लाखों के गहने चोरी हुए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों जला के गए? इतना सामान गोल्ड ले गए लेकिन डॉक्यूमेंट क्यों जला के गए पता नहीं चल रहा है। मतलब उन्होंने अलमारी को ही जलाया या घर को जलाया? अलमारी को भी जलाया है, साथ ही साथ गैस ऑन है, गैस रेगुलेटर ऑन है, सब अपने घर ऐसा लग रहा है घर तो नहीं बस्ट करना था उन्हें पूरा। क्या लगता है आपको, प्रारंभिक तौर पर रेगुलेटर भी ऑन करके गए? रेगुलेटर भी ऑन था। ओके, ये किनका मकान है? ये मेरे फादर का है। क्या नाम था? सुरेंद्र कुमार गांव सिंधे। उनको 1 मंथ हुआ है, अभी एक्सपायर हो गए, 1 मंथ ही हुआ है। तो कौन कौन था घर में उस समय? कोई नहीं था, घर में लॉक था। घर में कोई नहीं था, कोई नहीं था, लॉक था। फिर आपको कैसे पता लगा कि ये आग लग गई? कितने बजे कॉल गया है सुबह मॉर्निंग में? 5:30, 5:45 को करीब। मेरे फादर का घर है, सुबह 5:30 को मेरे पास कॉल आया कि आपके घर में आग लग गई है। तो फिर मैंने आसपास सब लोग को बताया कि यहाँ पे आग लग गई है, फिर पुलिस को खबर की कॉलोनी वालों ने, और बस चोरी के साथ साथ वो पूरा घर जला के चले गए। चोरी में भी करीब 10 लाख अबो की चोरी हुई है।
और पूरे घर में भी आग लगा दी है। गैस ऑन है, गैस रेगुलेटर ऑन है। अब इसके पीछे उनका क्या मकसद है? जबकि जब्त चोरी के माल को देखें तो उसमें चांदी के आभूषण, तांबे और पीतल के बर्तन शामिल है। पुलिस की स्टोरी में कई अनसुलझे पेच हैं, जिसके जवाब मिलना बाकी है। हालांकि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि पूछताछ में और भी खुलासे होंगे और माल भी बरामद होगा। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि समाज में दहशत फैलाने वाले वसीम पर रासुका भी लगाई जाएगी। खंडवा से अनंत महेश्वरी की रिपोर्ट।